सबसे पहले आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं मणि भट्टाचार्य और अभी मैं हूँ देवरिया में। एक मूवी का शूटिंग चल रहा है, थानेदार बलमा हमार। और इस मूवी में शूटिंग करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक मतलब फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक कॉमेडी मूवी है, फुल एंटरटेनमेंट है। स्टारकास्ट में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, संजय जी, मनोज टाइगर जी, सीपी भट्ट जी, कृष्णा जी इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका पहला मूवी है, कृष्णा बानवाल जी। मैं हूँ, निशा जी है, निशा तिवारी, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं और बाकी मतलब मिलजुल के एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा, उसके साथ फुल एंटरटेनमेंट मूवी बन रहा है, एकदम कॉमेडी ड्रामा बन रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, कल आपको भोजपुरी सिनेमा की फिल्म रिलीज हुई। हाँ जी, कल यानी कि 6 तारीख था और कल मेरा मूवी भोजपुरी सिनेमा चैनल में और दंगल प्ले चैनल में मेरा मूवी जबरिया फेर रिलीज़ हुआ है। वो भी एकदम फुल एंटरटेनमेंट फैमिली ड्रामा था, बहुत ही अच्छा स्टोरी था और इमोशनल स्टोरी था। मतलब जिसमें मेरा जो किरदार था, मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद एक अलग सा स्टोरी मिला था मुझे काम करने में, जो कल रिलीज़ हुआ है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिला है। इसमें प्रवीण जी के डायरेक्शन में मूवी बनी है और मुझे अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। तो आप लोग जो लोग अभी नहीं देखे हैं, दंगल प्ले ऐप डाउनलोड करके ज़रूर जबरिया फिर मूवी देखे और आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं। मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, गौरव जी के साथ मेरा पहली मूवी थी, जिसमें मतलब बहुत फ्लेक्सिबल एक्टर है, बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छा लगा उनके साथ मूवी करके। आगे भी काम करने चाहूँगी, डेफिनेटली काम करेंगे हम लोग। और मूवी में रक्षा गुप्ता भी थी और प्रवीण जी के डायरेक्शन में काम करके बहुत अच्छा लगा, इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। मुझे सुभाष जी ने बोले कि मतलब एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें मतलब एक लड़का जो किसको प्यार चाहते हैं, प्यार करते हैं और फ़ोन कॉल में प्यार हो जाए दूसरी लड़की से, जब उसको पता चलता है कि जिसको मैं प्यार करती हूँ फ़ोन वाली, वो तो ये नहीं है। और उसके अंदर जबरिया फेरे मतलब एक बिहार का बहुत ही मतलब आप लोग जानते हैं कि एक मतलब जोर ज़बरदस्ती शादी होता है, जो गांव की गरीब लड़की लोग होते हैं और मतलब वहाँ पे पता लगाते हैं कि अच्छे खानदान के कोई लड़का उनको फंसा के शादी फादी, अभी भी ये चल मतलब प्रथा है। जो तो रियल लाइफ में तो मैं बोलूँगी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में मैं इसमें एक्टिंग किया हूँ तो डेफिनेटली स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कॉमेडी स्टोरी है, बहुत ही कॉमेडी स्टोरी है, आप लोग देखिए। तो प्लान तो उन लोगों का ही था, प्रवीण जी के डायरेक्शन में ऐसे इसमें मैं किरदार निभाई तो अच्छी लगी मुझे। हाँ, जी बायोस्कोप चैनल का पहला मूवी है प्रीत की साया, बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, हॉरर स्टोरी है। और मैंने इससे पहले, आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे हॉरर, जैसे घूंघट में घोटाला मेरी बहुत ही हिट हॉरर स्टोरी है, सभी लोग देखे हैं। मतलब भोजपुरी दर्शक तो कोई ऐसा नहीं है कि घूंघट में घोटाला नहीं देखे हैं, निरोवा एंटरटेनमेंट का पिक्चर था। उसके बाद कुंवारी कन्या, काफ़ी सारा मूवीज़ मेरा हो गया। अब इसके बाद जी बायोस्कोप का मतलब बहुत वो लोग विश्वास कर रहे हैं, आशा रख रहे हैं कि ये मूवी बहुत ही अच्छी जाएगी, प्रीत की साया, जिसमें संजीव बहोरपी जी मतलब डायरेक्शन दिया है और डायरेक्टर है। इसमें नीलाभ तिवारी जी और जी चैनल का ही मतलब प्रोडक्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखो, ये 14 तारीख रिलीज़ हो रहा है जी बायोस्कोप चैनल में और यूट्यूब चैनल में इसका टीज़र सभी लॉन्च हो गया। इसमें लाडो मदेशिया जी हीरो है, मैं हूँ और एक हीरोइन है। तो मैं मतलब जो भूत बनी है, मैं इतना स्टोरी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर देखो। मैं चाहती हूँ कि 14 तारीख रिलीज़ हो रहा है वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में, आप लोग देखो और रिव्यू देना, क्योंकि आप लोग देखेंगे तभी हम लोग और आगे आगे अच्छी मूवी बना सकते हैं। मेरा और एक मूवी रिलीज़ हुआ है इस महीने कल्लू जी के साथ, कौन अपना कौन पराया, थिएटर में रिलीज़ हो गया है ऑल ओवर यूपी बिहार में। तो ज़रूर देखिए, आगे भी मेरा काफ़ी सारा रिलीज़ होने वाला है मूवीज़। आप लोगों का बस प्यार और आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।